नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आज बात करेंगे गांव से प्रदेश सियासी संदेश। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के रण में 3 लोकसभा सीटों पर मतदान शुक्रवार को यानी कि आज हो चुका है। महासमुंद, कांकेर और राजनांद गांव में वोटिंग हुई, लेकिन राजनांद गांव ही सबसे ज्यादा चर्चा में रही। यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश को सियासी संदेश देने की भरपूर कोशिश की है। किसके संदेश को जनता ने अपनाया, नतीजों के बाद ही ये तो साफ होगा, लेकिन इस पर चर्चा जरूरी है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण का रण खत्म हो चुका है। दूसरे दौर में सबसे ज्यादा चर्चा राजनांदगांव सीट की रही। राजनांदगांव का रण जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ने खूब दम लगाया। भूपेश बघेल के कांग्रेस उम्मीदवार घोषित होते ही राजनांदगांव की चर्चा पूरे देश में हुई, तो बीजेपी ने सांसद संतोष पांडे पर फिर से भरोसा जताया। हाई प्रोफाइल सीट होने की वजह से यहां मुद्दों के साथ आरोपों की बौछार भी खूब हुई। दरअसल दोनों ही पार्टियां राजनांदगांव से पूरे प्रदेश को एक सियासी संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी इसको स्वीकार कर रहे हैं। भाजपा की जो रणनीति है वो हिंदुत्व की राजनीति की है। ऐसे में जो विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री का बयान अंतिम समय में जो बयान आया है वो ये बताने की कोशिश हो रही है कि भूपेश बघेल हिंदुत्व के समर्थक नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे भूपेश बघेल, तो भूपेश बघेल चुनाव के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र को प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिश की और जाति समीकरण को साधने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ में इसके पहले भी कई बार चुनाव में राजनीतिक संदेश देने की कोशिश हुई है। इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के साथ ही कई मुद्दे उठाकर प्रदेश की जनता को संदेश दिया था। तो 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने युवा, महिला, किसान को साधने के लिए अलग रणनीति से सियासी संदेश दिया। अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनांदगांव में कांग्रेस को घेर कर संदेश दे रही है, तो कांग्रेस भूपेश के सहारे मजबूती से मैदान में डटे रहने का मैसेज दे रही है। दोनों तरफ से जीत के दावे भी हो रहे हैं। जीत के लिए कितना सत्य जो 5 साल जनता की सेवा हमने की है, किसानों के हितों में काम किया है, मजदूरों के हित में काम किया है, महिलाओं के हित में काम किया है, उसका परिणाम। और तीसरी बात ये है कि जो हमारे घोषणा पत्र है वो बड़ा कारगर साबित हो रहा है। राजनांदगांव में तो मैं था नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर हम 2 लाख से ऊपर वोटर छे। भूपेश बघेल का जादू कहीं नहीं चाहिए। कहाँ जादू, उसको तो कहते हैं पब्लिक और उनकी कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी उनको भगाने की स्थिति में है, तो उनका कोई जादू वादू नहीं है। राजनांदगांव का रण दिलचस्प है। भूपेश बघेल पर दांव खेलकर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस ने पार्टी को संजीवनी देने की कोशिश की है, तो वहीं बघेल सरकार के कार्यकाल में हुए कामों में सांप्रदायिकता और भगवा के अपमान की बात उठाकर बीजेपी प्रदेश को मैसेज दे रही है। राजनांदगांव से संदेश दिया जा चुका है, ये संदेश प्रदेश की सियासत में किसके लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। तो देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व पर छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान पूरे तरह से संपन्न हो चुका है। इसी पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। परिचय आपका कराते हैं। रामकुमार यादव हमारे साथ कांग्रेस विधायक जुड़ चुके हैं। रामकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपका बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं बीजेपी विधायक नीलकंठ टेकाम। और चलिए अब शुरुआत करेंगे रामकुमार यादव जी आपसे। कितनी चुनौती देख पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम जीत गए हैं राजनांदगांव का रण, बड़ा ही जोर लगाया है, हर वो मुद्दे उठाए हैं जनता से जुड़े हुए, और चाहे आरोपों की बात करें और बीजेपी की ओर से अब कहा जा रहा है कि राजनांदगांव का रण भी हमने जीत लिया है और बाकी 2 सीटें कांकेर और महासमुंद। आज का आपका फीडबैक क्या है, आपको क्या उम्मीद है इन 3 सीटों से?
आज वोटिंग हुआ है और शुरू से जब से लोकसभा का चार क्षेत्र लगा है तब से छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश के लोग, खास करके मैं छत्तीसगढ़ के बात कर सकता हूँ कि यहाँ के लोग ये मोदी जी का जो 10 साल में जो वादा था, चाहे वो महंगाई कम करने की बात हो, यहाँ महंगाई के किसी प्रकार के कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया। छत्तीसगढ़ जब भी आया तो दूसरे दूसरे विषय में बात किया, लेकिन कभी भी महंगाई पर या कोई गरीबी दूर कर किसी में बात नहीं किया। तो छत्तीसगढ़ की जनता, भोले भाले लोग इस बात को जान गए कि छत्तीसगढ़ में इस दफे, इन लोग बोलते थे कि भूपेश बघेल जी का चुनाव लड़ रहे थे, हमको और आसान हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ गुप्ता जी, इस प्रदेश में जिस माहौल बना, जिस प्रकार से 11 सीट में इस दफे हम लोग इनसे कई एक दो तिहाई से वोट से हम लोग जीतेंगे, सीट को जीतेंगे। एक दो सीट कहीं पर मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो पूरे 11 सीट इस दफे कांग्रेस जीत रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस प्रकार से आपका अभी जो वोटिंग हुआ है, चाहे आपका राजनांदगांव सीट हो, चाहे अपना आप कह रहे हैं कि 11 की 11 सीटें हम जीत रहे हैं, हालांकि अभी 4 ही सीटों पर मतदान हुए हैं, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो 1 या 2 सीटों से कभी भी ज्यादा आप नहीं जीत पाए हैं, तो इस बार ऐसी क्या रणनीति कि 11 की 11 सीटों पर दावा किया जा रहा है? देखिए, आप निश्चित तौर पर आप देखें 2-3 चुनाव में इसके पहले कांग्रेस का यहाँ पर जिस प्रकार से सीटें थी, मोदी जी आए यहाँ दुनिया भर के भ्रम फैला दिए, यही नहीं पूरे देश में, कि काला धन लाएंगे, गरीबी दूर करेंगे, हम लोग जो है महंगाई बढ़ गई है कांग्रेस के राज में उसको कम करेंगे, ये तमाम प्रकार के जो है हमको जो है इस देश को झूठा सपना दिखाया। उस झांसे में लोग आ गए थे, लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी का जो झांसे से आप निकल करके लोग कह रहे हैं, टीवी जब देखते हैं मोदी जी आते हैं तो टीवी को बंद कर देते हैं, बोलते हैं कि यही मोदी है जो 60 रुपए तेल को आज 180 रुपए कर दिया, पेट्रोल 60 रुपए को 104। लेकिन कांग्रेस बार बार सवाल उठाती है कि भ्रम फैलाया, झूठ में आ गए, झांसे में आ गए, तो क्या ये जनता समझदार नहीं है क्या? आप भी तो विपक्ष में बैठे हैं, आपको भी जनता उतना ही सुनती है, तो ऐसे में तो आप जनता पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ये जनता जनार्दन का फैसला होता है अगर सरकार किसी की आती है तो। मैं क्या कहूं, 10 साल धोखे में रखे, अभी देखो कोई होता है जैसे मोदी जी जिस प्रकार से जोश खरोश से देश में खड़ा हो गया, एक ऐसा वाला माहौल बनाने का प्रयास किया कि वो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन में ऐसा कुछ इनके कार्यकर्ता लोग बोले कि मोदी जी प्रधानमंत्री के साथ साथ में भगवान का अवतार आया है, ऐसा इन लोग कहने वाले थे। लेकिन जिस प्रकार से उनके जो वादे थे खोखले वादे थे, लोग गरीब लोग मजदूर लोग लाइन में लगे काला धन के नाम पे, नोटबंदी के नाम पे, दुनिया भर के तमाम जो मुश्किलें जो झेलना पड़ी ये मोदी जी के सरकार में हुआ। चलिए ठीक है, ये आने वाला वक्त बताएगा, 4 जून को ये स्पष्ट होगा। लोग जो है महंगाई पे बात नहीं किया, देश के जो गरीबी की बात नहीं किया, सिर्फ दुनिया भर के उलझुल बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के जो शब्द होना चाहिए देश में वो बिल्कुल नहीं था, शब्द तो कांग्रेस के भी नहीं समझ में आए इस चुनाव में, समझ में तो कांग्रेस के शब्द भी नहीं आए जो बयानबाजी आप लोगों ने की। हालांकि अब रुख आगे बढ़ेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, रामकुमार जी जुड़े रहिए और भी चर्चा आपसे करेंगे। अनिल जी आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए छत्तीसगढ़ की 4 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं बस्तर समेत, और आज 3 सीटों पर हुए, आपका क्या फीडबैक है? क्योंकि कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि हमने तो 11 की 11 सीटें ही जीत ली, हालांकि अभी सभी सीटों पर मतदान नहीं हुए, लेकिन उससे पहले दावे और वादे किए जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी राजनांदगांव को लेकर कहा जा रहा है कि ये रण हमने जीत लिया है, आपका क्या फीडबैक है? देखिए साक्षी जी, छत्तीसगढ़ में एक रिकॉर्ड मतदान हुआ है और आज जो 3 सीटों पर मतदान हुआ वो मतदान प्रतिशत 75% तक पहुंच गया है। चुनाव आयोग के अधिकृत आंकड़े नहीं आए, हो सकता वो 80% तक पहुंच जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नक्सली इलाके हैं, कांकेर के जो 4 तहसीलें जो नक्सल प्रभावित हैं वहां पर बंपर वोटिंग हुई है। राजनांदगांव में जहां से भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं वहां मोहला मानपुर नाम का एक नक्सली बेल्ट है, वहां 82% तक पोलिंग हुई है। और यह वो इलाका है जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती रही हैं, कांकेर में भी कांग्रेस के नेताओं की हत्याएं होती रही हैं।
तो पहला संदेश तो ये है कि देश प्रदेश की जो जनता है खासकर कांकेर और राजनांदगांव की, उसने ये कहा है कि हमारा जो जवाब है वो बंदूक के सामने बैलेट का मामला है, बंदूक के साथ जो है बटन का मामला है कि हमने बटन दबा करके बंदूक को खारिज किया, नक्सलवाद को खारिज किया है। हम शांति चाहते हैं, हम विकास चाहते हैं और उसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही नक्सली की जबरदस्त वारदातें हुई, नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया था, नक्सली कुछ बेल्ट ऐसे थे जहां उन्होंने कहा था कि जो भी मतदान करेगा हम उसकी उंगली काट देंगे, लेकिन इससे डरे बगैर आदिवासियों ने आकर के मतदान किया और 75% तक मतदान हुआ है। तो ये एक विश्वास है कि शांति और विकास के रास्ते पर आदिवासी आगे बढ़ रहे हैं। नक्सली इलाकों के लोग ये कह रहे हैं सरकार को कि आप बातचीत की टेबल पर आइए, अब हम ज्यादा नक्सलवाद को नहीं सह रहे हैं। और सरकार भी पूरे प्रयास कर रही है कि नक्सलवाद खत्म हो और जो वहां के जो लोग हैं आदिवासी उनको विकास पहुंचे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज जो सीटों पर मतदान हुए उसमें कई बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर है। भाजपा से संतोष पांडे हैं जो वर्तमान में सांसद है राजनांदगांव से, उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खुद की प्रतिष्ठा दांव पर है क्योंकि मुख्य छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो केंद्र में अप्रोच है वो कहीं ना कहीं ये चुनाव प्रभावित करेगा, अगर वो जीते चाहे हारे लेकिन उनकी राजनीति प्रभावित होगी। कांग्रेस में जो उनके आलोचक है, कांग्रेस में जो उनके विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं हावी होंगे, उन पर भी इस चुनाव के जीत हार के परिणाम का असर पड़ेगा। संतोष पांडे हैं वो सांसद है राजनांदगांव से, एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ है, वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक तरह का उनकी भी हार जीत से चुनाव का होगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि महासमुंद से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो गृह मंत्री पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू है जो बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। अब वो गृह मंत्री थे पिछले 5 सालों तक, उन ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस ने अखिल भारतीय स्तर पर एक पिछड़ा वर्ग के नेता के तौर पर पेश किया था, तो ताम्रध्वज साहू की जीत हार भी उनके राजनीतिक भविष्य पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगी या फिर उस पर ग्रहण लगाएगी। तो ये सारे समीकरण में इन चुनाव ये समीकरण कहीं ना कहीं बताते हैं कि प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। यहाँ पर चलिए और हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं नीलकंठ टेकाम, विधायक हैं बीजेपी से। नीलकंठ जी आपका भी बहुत स्वागत है। नीलकंठ जी देखिए आज दूसरे चरण की 3 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन कांग्रेस की ओर से जैसे ही मतदान पूरा हुआ और कहा जा रहा है कि राजनांदगांव हमने जीत लिया, 3 सीटें हमने जीत ली और इसके साथ 11 सीटें जो बाकी बची हुई 7 सीटें हैं वो भी हमने जीत ली हैं, आप कैसे देख पा रहे हैं? मुंगेरी लाल के हसील सपने हैं ये, ग्राउंड की रियलिटी मीडिया भी देख रही है। मतदाताओं का रुझान पहले चरण में और दूसरे चरण में जो बढ़ता हुआ दिख रहा है, पूरा हमारे सभी 3 लोकसभा क्षेत्र में जो माहौल दिखाई दे रहा है उसको देख करके हर कोई यही कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से विजयी हो रहे हैं। हमारे कांग्रेसी साथियों को इस तरीके से दीवा सपना देखने की लत पड़ गई है और इसी वजह से पिछले अभी विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें आपने देख ही लिया कि क्या हश्र हुआ है, और पिछले 5 सालों में जो दर्द छत्तीसगढ़ को इन लोगों ने दिया है, जो जख्म इन लोगों ने दिया है, वो तो जनता उसकी सबक जरूर सिखाएगी इन लोगों को। और ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में जहां पर भी अभी दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है सब जगह से इसी तरह की सूचनाएं आ रही है। लेकिन नीलकंठ जी अगर आप जीत रहे हैं 11 की 11 सीटें जीतने का आप दावा वादा कर रहे हैं तो आखिर इतनी रणनीति बनाने की जरूरत क्या है जो पहले कभी नहीं हुआ? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देके आते हैं छत्तीसगढ़ में, रात बिताते हैं, नीति बनाते हैं, प्रधानमंत्री तक ये बात आ गई है कि प्रधानमंत्री को भी छत्तीसगढ़ में दौरा करके रात में रुकना पड़ा, रणनीति बनानी पड़ी, आखिर आप जीत रहे हैं तो इतना मंथन, इतनी रणनीति किसके लिए? देखिए भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है और चुनाव को कभी भी हल्के से नहीं लेती है जी। हमारा पूरे टाइम जो है संगठन के जो ढांचा बना हुआ है उसमें जो आदेश निर्देश और संदेश जो दिया जाता है और उसको जो अनुकरण किया जाता है उसकी प्रक्रिया सतत चलती रहती है, इसलिए इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा हो रहा है, माननीय गृह मंत्री जी का दौरा हो रहा है, वो सबके सब प्लान के अनुरूप हो रहा है जी। और इसमें नई बात नहीं है और इसमें किसी को आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। चलिए रामकुमार जी आप क्या कहेंगे,
देखिए हल्के में नहीं ले सकते हैं बीजेपी की रणनीतियों को। और दिग्गजों के दौरे की बात कर ले तो कहीं ना कहीं आप देखिए दूसरा चरण पूरा हो चुका है, तीसरा चरण आने वाला है, तारीख थोड़ी सी दूर है, लेकिन बीजेपी की रणनीति आप देखिए, आज ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा कर दिया और तीसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है दुर्ग को लेकर खास रणनीति है। बेमेतरा में आज उन्होंने सभा को संबोधित किया और उस घटना का भी जिक्र कर दिया, चाहे विरहनपुर मामले की बात करें या फिर नक्सली। तो कहीं ना कहीं आपसे आगे एक बार फिर से बीजेपी तीसरे चरण के लिए तैयार है। देखिए सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और खास करके नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि इस दफे 400 पार। इन लोग जो है एक माहौल बनाने की कोशिश किया, लेकिन जैसे ही पहले चरण का वोटिंग हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, विशेष करके नरेंद्र मोदी जी का सांस फूलना शुरू। इसलिए हम देखते हैं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है भाई, किसी का शहर में जाके रुकना, एक एक लोकसभा में जाके सभा करना और वो भी जात पात की बात करना, किसी विशेष समाज के उच्चारण में बात करना, भाषण में बात करना, ये प्रधानमंत्री को सौंपा थोड़ी देता है। और तो अभी हमारे नेताओं जी बोल रहे थे, हमारे नेताओं जी बोल रहे थे कि हमारा रणनीति है, प्रधानमंत्री जी आकर के क्या के डर देता है भाई, प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। आप लोग तो सिर्फ फोड़ने की बातें करते हैं रामकुमार जी। के डर है कि आज प्रधानमंत्री जी, इस देश के गृह मंत्री जी आकर के रात रुकते हैं, पहले कभी उनको छत्तीसगढ़ का सपना नहीं आता आने का, जैसे ही लोकसभा आए चुनाव आए तो आकर के कहीं गृह मंत्री घूम रहा है, कहीं रक्षा मंत्री घूम रहा है, कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, प्रधानमंत्री गली गली द्वार द्वार जा रहे हैं। इसके पहले अगर कहीं आते तो छत्तीसगढ़ को सौगात मिलता। और रही बात, ये बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ सरकार का, तो छत्तीसगढ़ सरकार के काम जी, जब से आप लोग बने हो छत्तीसगढ़ को डुबाने के काम कर रहे हैं, चाहे वो आज छत्तीसगढ़ के समस्त जनता इस बात को महसूस कर रहे हैं। जी फिर भी एक और दो सीटों से आगे नहीं बढ़ पाए, इतने बड़े मुद्दे उठा रहे हैं, बयानबाजी आप कर रहे हैं और फिर भी एक या दो सीटों से ज्यादा कांग्रेस नहीं आ पा रही है, हर चुनाव को देख लीजिए। धुआं आना शुरू हो गया है, डबल इंजन फेल है। इसलिए मैं कहता हूँ 11 के 11 सीट जीतेंगे और इस देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैं बिल्कुल आज दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। दावे के साथ नीलकंठ जी, आपने सुना होगा दावे के साथ कहा जा रहा है कि 11 सीटों पर तो जीत हासिल होगी और देश भर में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उतनी तो सीट में चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं जिसमें कि बहुमत के आंकड़े पार हो, और अभी तो इनके आपस की लड़ाइयां ही खत्म नहीं हुई है। आपको तो ये किस आधार पर ये बोल रहे हैं? ये केवल जो है समय खराब करने वाली बात है, इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, कोई इसमें तर्क नहीं है, और इस बात को हमारे कांग्रेस के मित्र लोग भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब जो है अपनी जो अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए, अपना फेस सेविंग करने के लिए इस तरह के बयानबाजी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। नीलकंठ जी, लेकिन अब देखिए जवाब देने के लिए प्रियंका गांधी भी आने वाली हैं छत्तीसगढ़ एक बार फिर से, मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं जो कि पहली बार उनका दौरा हो रहा है इस लोकसभा चुनाव में, इसके साथ राहुल गांधी एक बार फिर से आने वाले हैं, क्या लगता है? कांकेर में भी प्रियंका गांधी ने सभा की, वो कांकेर का आज अगर हम वोट प्रतिशत देखें तो सबसे ज्यादा है, हालांकि अमित शाह भी वहां पर आए। आने दीजिए, आगे भी आते रहेंगे, यहाँ की जनता लगातार उनसे सवाल कर रही है कि 5 साल के लिए आपको मौका छत्तीसगढ़ में दिया गया था, आपने क्या किया? यहाँ के युवाओं को, युवाओं के साथ संगीन अपराध किया गया, उनको महादेव ऐप, आप उनको सट्टा खिलाना सिखाते हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी को? आप पीसी जैसे, लेकिन इन घोटालों पे बात नहीं करेंगे क्योंकि जब रमन सरकार की थी तब भी घोटाले सामने आए थे, चिटफंड घोटाला, चावल घोटाला, पनाम पेपर घोटाला, तो तमाम पार्टियां आई, तमाम सरकार आई, घोटाले तो लगातार सामने आए। चलिए अनिल जी आपका रुख कर लेती हूँ, आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी अगर आज की हम सीटों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण सीट, बड़ी सीट और कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव, भूपेश बघेल एक नया प्रयोग यहां से कांग्रेस ने किया है और जमकर बयानबाजी हुई, पोस्टरबाजी हुई, विवाह सिंह का मुद्दा भी गरमाया और बीजेपी ने बयानबाजी भी की, लेकिन डटकर कांग्रेस यहां पर डटी रही, अड़ी रही। अब इस सीट से क्या समीकरण निकल रहे हैं और क्या संदेश जा रहा है तीसरे चरण के चुनाव के लिए? अनिल जी देखिए साक्षी जी, मैं अभी भाजपा और कांग्रेस के दोनों जो आदरणीय विधायक हैं मैं उनको सुन रहा था
और दोनों ही विधायक इस बात के प्रतीक हैं कि दोनों ही राजनीतिक दलों में अब फ्रेश चेहरे, नए और चेहरों को प्राथमिकता दी जा रही है। यादव जी तो दूसरी बार विधायक चुन करके आए, उन्होंने इतना अच्छा काम खड़ा किया था, और ये विधायक जी यादव जी जो खोज हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हैं, जिन्होंने कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर लड़ाई लड़ी और एक ऐसा माहौल बनाया जिससे कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। 5 साल तक उन्होंने राज्य में सरकार चलाई। तो जब आप राजनांदगांव सीट की बात करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो इस चुनाव में स्थिति होगी उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यदि वो जीतते हैं तो अनिल जी, अनिल जी समय बहुत ही कम बचा हुआ है, एक और छोटी सी प्रतिक्रिया आप दीजिए, क्या वीरनपुर घटना एक बार फिर से मुद्दा बन सकता है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है और 7 लोकसभा सीटें अभी बची हुई है चुनाव के लिए। बिल्कुल, बीरनपुर का हत्याकांड ऐसा कांड था जिसने पूरी कांग्रेस को हिलाकर रख दिया, उनके दो दो मंत्री चुनाव हार गए और पूरे बीरनपुर कांड का पूरे प्रदेश में हल्ला था क्योंकि बीजेपी ने उसको हिंदुत्व के ध्रुवीकरण के तौर पर पेश कर दिया था, और इसलिए यदि ऐसे समय में बीजेपी ने इसको मुद्दा बना दिया है सामने रख करके, सीबीआई जांच की घोषणा करती है, आने वाली जो 6 सीटें हैं जिसमें चुनाव होने हैं उस पर यह मुद्दा बड़ा प्रभावकारी असर डालेगा, क्योंकि इसे बीजेपी कहीं ना कहीं हिंदुत्व के तौर पर पेश करेगी, हिंदू और बनाम मुस्लिम के तौर पर सामने रखेगी, क्योंकि यहां से जो विधायक जीते वो ईश्वर साहू थे जो मॉडल बने कि बीजेपी जो है एक छोटे से छोटे व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को भी चुनाव लड़ा सकती है और जनता ने उन्हें एक्सेप्ट किया। तो ये जो हिंदुत्व की लहर है, ये जो इसके चलते कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश करेगी कि बीरनपुर हत्याकांड को सामने उठाती रहे। आज ही मैं अभी अरुण साहू जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया हूँ, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को सामने रख करके कहा है कि प्रदेश की जनता अब ये तय करे कि बीरनपुर जैसे हत्याकांड दोबारा कांग्रेस के राज्य में ना हो तो इसके लिए क्या किया जाए। ये सामने बिल्कुल अनिल जी, यानी कि कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से वीरनपुर का मुद्दा जो है गर्मा सकता है और यहाँ पर पार्टियां भी अपना अपना लाभ सहानुभूति लेने की कोशिश भी करेंगी। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो इस छत्तीसगढ़ में आज 3 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुए। दूसरे चरण का ये मतदान था, लेकिन सबसे ज्यादा हॉट सीट जो थी, हाई प्रोफाइल सीट थी राजनांदगांव, हर किसी की नजर बनी हुई थी। लेकिन यहाँ से संदेश क्या जाता है और कितना असर पड़ता है तीसरे चरण में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और जनता का मूड क्या है, राजनांदगांव का रण किसने जीता है, ये तो 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ की आज की खास चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार बंसल न्यूज पर जारी रहेगा, देखते रहिए आप, नमस्कार।